देखिए, आपने पॉइंट आउट किया कि ये क्राइसिस है. ये बेसिकली क्राइसिस नहीं है. व्हेन यू से क्राइसिस, दैट मींस इट विल क्रिएट आर ट्रिगर पैनिक इन पब्लिक. ये सिंपली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है जिसकी अनाउंसमेंट कल मुल्क के वजीर आजम ने की कि जो 500 और 1000 के नोट्स हैं उनको वापस उन्होंने कॉल किया है मार्केट से, जहाँ कहीं भी है तो लोगों को ये वापस करने हैं अपने अपने बैंक्स पे. अब इसमें इशू ये आ रहा है कि जो लोग समझ रहे हैं इशू है अगर किसी के पास 500 के नोट हों या 1000 के नोट अपने पास कैश में हों तो उनको अपने बैंक पे जाके इनको बदल देना है. और बदलने से बेहतर रहेगा कि दे विल डिपॉजिट इन देयर ओन अकाउंट. ये स्कीम जो अनाउंस हुई है कि इनको जो रिकॉल किया इन नोट्स को, कि अगर मेरे पास कुछ नोट्स ऐसे हैं मैं अपने बैंक पे जाके अपने अकाउंट में इनको डिपॉजिट करूँगा और ये 30 दिसंबर तक मैं कर सकता हूँ. उसके बाद अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो मुझे ये बदलने हैं तो पर पर्सन ये 4000 एक्सचेंज होंगे पर डे, ठीक है. तो अदरवाइज़ जो बाकी का अमाउंट होगा वो अकाउंट में होगा. अब यहाँ सवाल आता है कि अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो उस सूरत में वो क्या करेगा. उस सूरत में वो अकाउंट अंडर नॉर्म्स खोल सकता है, जैसे एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलते वो इस वक्त भी खोल सकते हैं. सो देयर इज़ नो सच पैनिक. इसके बाद जो ATMs भी नॉन फंक्शनल रहेंगे दो दिन, उसके बाद ATM के ज़रिए जो भी कार्ड होल्डर होगा पर कार्ड पर पर्सन वो 18 तारीख तक 2000 रुपये पर डे निकाल सकता है. 18 तारीख के बाद इसका लिमिट 4000 होगा, यानी कि 19 नवंबर से आप अपने ATM कार्ड से किसी भी ATM के ज़रिए 4000. जहाँ तक बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक पे जाके कैश हासिल करने का ताल्लुक है तो इसमें भी एक लिमिट रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के तहत कि पर डे 10,000 रुपये पर डे एक शख्स एक अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से चेक के जरिए या विड्रॉवल फॉर्म के जरिए 10,000 तक का कैश निकाल सकता है अप टू 24th of November. उसके बाद ये लिमिट 20,000 हो जाएगा. तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत है. जो भी हो लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स हैं, ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म है बैंकिंग का, जैसे ई बैंकिंग है या फंड ट्रांसफ़र है, तो आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली अपने जिसको भी आपको पेमेंट करनी है उनको आप ये पेमेंट कर सकते हैं थ्रू ई बैंकिंग सर्विसेज और फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज. सर अगर हम बात करें तो अभी तक लोगों को पूरा पता नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है, तो आपकी तरफ से क्या आपको वो उनको उम्मीद दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए ताकि कल को जब बैंक में वो UAR क्राई नहीं होनी चाहिए उनको आराम से सारा काम निपट सके. देखिए, इस स्कीम में ये वाजह तौर पर बताया गया है कि बैंक्स को एक दिन की छुट्टी दी गई है. इसका मकसद यही था कि वो तैयार रहें, जो भी बैंक्स हैं यहाँ काम कर रहे हैं हर एक बैंक को प्रिपेयर रहना है टू फेस द रश ऑफ पीपल, क्योंकि ऑफकोर्स इट हैज़ ट्रिगर्ड ए पैनिक अमंग पीपल. लेकिन ये समझने की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नोट्स को रद्द करके वो कहती है कस्टमर्स को कि जिनके पास ये नोट्स नहीं, कि हमारे पास आइए बैंक के ज़रिए ये हमें दीजिए, हम आपको पूरा इसका वैल्यू देंगे. अगर आपने 10,000 रुपये जमा कराए यू विल गेट वैल्यू ऑफ 10,000 अगेंस्ट दीज नोट्स. तो उसके लिए ज़रूर ये है कि रश होगा ब्रांचेस पे, लेकिन बैंक्स को हिदायत दी गई है कि वो इवन अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी अगर उनको लगे ज़्यादा रश है, ये ऑल ओवर इंडिया एक डायरेक्शन दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि यू डिप्लॉय मोर एंड मोर स्टाफ टू कैटर टू द रश. और ये भी है कि इसमें 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक का पीरियड है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कल ही जाइए, अपनी फुर्सत से जाइए बट विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क. उसके बाद भी 30 दिसंबर के बाद भी अगर तक 30 दिसंबर तक अगर कोई शख्स फेल होता है टू डिपॉजिट दिस मनी इन द बैंक, ये नोट्स उसने किसी वजह से जमा नहीं कराए बैंक में या एक्सचेंज नहीं कराए, उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक फॉर्म भरना है, वहाँ पे वो डिटेल्स अपनी लिखनी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है. वो मार्च एंड तक वो तब्दील कर सकते हैं या
अगेन इज दिस नोट पूरा वैल्यू हासिल कर सकते हैं।